If now to Union Minister Dr. Mahesh Sharma speaking on the Swachh Bharat का आयोजन करेगा। आज उसी के तहत हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमें टूरिज्म एवं कल्चर डिपार्टमेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा कि क्या-क्या इनिशिएटिव लिए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय की भूमिका निभा रहा है। मैं अभी अनुरोध करता हूँ माननीय श्री तोमर साहब से कि वो सरकार द्वारा लिए गए इनिशिएटिव इसको जन आंदोलन की दिशा में बनाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनके ऊपर प्रकाश डालें। धन्यवाद। माननीय पर्यटन मंत्री श्री महेश शर्मा जी, आदरणीय परमेश्वर जी, विनोद जी, एनके सिन्हा साहब, गोयल जी, अक्षय राउत जी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन लगभग 2 साल से चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने का संकल्प किया और कार्य रूपरेखा प्रस्तुत की, तब से लेकर लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, नगरीय निकाय, समाज सेवी संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, सभी लोग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले दिनों आप सबके ध्यान में है जब स्वच्छता पखवाड़ा हम लोगों ने शुरू किया था, उस समय अनेक कार्यक्रमों की आयोजना हुई थी और उसमें एक कार्यक्रम हम लोगों ने पत्रकार मित्रों के साथ भी चर्चा कर रखा था और उसमें पत्रकार मित्रों के जो सुझाव आए वो सुझाव भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यवान लगे और हम लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों इलाहाबाद में गंगा किनारे की 1651 पंचायतें एकत्रित हुई थी जिनमें प्रधान भी थे और अफसर भी थे और गंगा किनारे के सभी 1651 पंचायतें, लगभग 6000 गांव, इनको ओडीएफ किया जाए, ये संकल्प हुआ। उसके बाद लद्दाख में सभी धर्मों के वरिष्ठ गुरुजन इकट्ठा हुए थे, यूएनडीपी के साथ वो कार्यक्रम हुआ था, मैं भी उसमें गया था और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों के धर्मगुरु इकट्ठा हुए थे और सब लोगों ने यह संकल्प किया था कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता दूत बनाए, श्री अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी, वो लोग भी अनेक अवसरों पर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती बीती है, 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में देश भर में स्वच्छता सप्ताह आयोजित किया गया, अनेक कार्यक्रम की आयोजना हुई और उसके भी परिणाम देश भर से जो रिपोर्ट आई है बहुत ही अच्छे हैं। चूंकि केंद्र सरकार का ये प्राथमिकता का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारे केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं वह भी अपनी भूमिका का इसमें निर्वाह करें और इस दृष्टि से सभी मंत्रियों को मैं भी समय समय पर अनुरोध करता रहता हूं और हमारे सचिव भी सभी मंत्रालय के सचिव और बाकी संयुक्त सचिवों के संपर्क में रहते हैं और इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आगे बढ़े यह कोशिश करते रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आप देख रहे हैं कि कुल मिला के स्वच्छता के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तीव्रता
केंद्र सरकार के मन में कितनी है और प्रधानमंत्री जी की जो प्राथमिकता है उस प्राथमिकता को कैसे क्रियान्वित किया जाए, इस दृष्टि से आज पर्यटन मंत्रालय और स्वच्छता मंत्रालय दोनों लोग साथ साथ बैठकर आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि स्वच्छता की दृष्टि से अनेक आयाम हैं जिन पर हम सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से आज पर्यटन के क्षेत्र में हमारे मंत्रालय ने क्या क्या इस पखवाड़े के अंतर्गत किया है और वो निश्चित रूप से हम सबके मन को भी प्रसन्न करने वाला है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देने वाला है। और इसीलिए हमारे पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं उन्हीं से आग्रह करूंगा कि वो आपसे रूबरू हों और इस क्षेत्र में की गई जो उपलब्धियां हैं उनको आपके समक्ष रखें। माननीय महेश शर्मा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए 2 अक्टूबर 2014 को जो एक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया, वह आंदोलन आज एक विशाल रूप देकर आम जन का, युवा का, गरीब का, अमीर का, किसान का एक विषय बन गया है और सब लोगों ने इसमें अपनी चिंता और सहभागिता जाहिर की है कि हम किस तरह से देश को स्वच्छ रख सकें। आज आदरणीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन में किस तरह से गंगा स्वच्छता और वास्तव के अंदर पर्यटन और संस्कृति, जो दो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी हुई है, मैं अपने अधिकारियों श्री विनोद जोशी जी और संस्कृति सचिव श्री एन के सिन्हा जी, परमेश्वरन जी, अक्षय जी, घनश्याम जी, आप सभी का धन्यवाद और आप सभी उपस्थित पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 दिन पहले ही कहा था पर्यटन अकेला सक्षम है देश की तस्वीर बदलने के लिए, देश का भविष्य बदलने के लिए, चाहे वो आर्थिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वह युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, या भारत की घनी संस्कृति को विश्व के कोने कोने में ले जाने की बात हो। भारत की संस्कृति हमारी पहचान है, अधिक से अधिक लोग हमारे देश में आए, अतिथि देव भाव से हम उनका अभिनंदन करें, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में हम उनका अभिनंदन करें और वो यहां से जब जाएं तो अपने साथ मीठी यादें और भारत की घनी संस्कृति, रिच हेरिटेज की खुशबू लेकर यहां से जाएं, ऐसी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की बनी और इसमें हमारे दोनों मंत्रालयों ने ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। पर्यटन मंत्रालय उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी निकला कि जहां देश ने 10% की प्रगति से पर्यटक बढ़े 9.86% की प्रगति से, पूरे विश्व की यह ग्रोथ रेट लगभग 4.6% रही। ये कहते हमें खुशी होती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत को जहां हम 65वें स्थान थे 52वें स्थान पर लाया और भारत की पर्यटन से जुड़ी हुई सभी विधाओं को उन्होंने, पूरे विश्व के लोगों ने स्वीकार किया। विषमतम परिस्थितियों में भी, गिरती हुई आर्थिक दिक्कतें, पूरा विश्व आज आर्थिक क्राइसिस को झेल रहा है, उसके बावजूद भी विभिन्न तरह की घटनाएं आतंकवाद की तरह भी देश विदेश के कोनों कोनों में हो रही हैं, उसके बावजूद भी भारत ने अपनी पहचान बनाई। और मैं समझता हूं कि टूरिज्म इज बाय परसेप्शन और भारत का परसेप्शन विश्व की नजरों में गुणात्मक दृष्टि से ऊंचा हुआ है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की ये स्वच्छता की जो सोच है इसका बहुत बड़ा असर रहा है। संस्कृति मंत्रालय के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 3686 मॉन्यूमेंट्स हमारे भारतीय पुरातत्व संस्थान के अंडर में आते हैं, जिसमें से हमने पिछले वर्ष 25 और इस साल 100 आदर्श मॉन्यूमेंट्स को, हर दृष्टि से आदर्श, सुरक्षा की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, हॉस्पिटैलिटी की दृष्टि से, कन्वीनियंसेस की दृष्टि से, टॉयलेट्स उपलब्ध कराने की दृष्टि से, उन्हें आदर्श मॉन्यूमेंट
घोषित किया और सिर्फ घोषणा ही नहीं उसको लागू किया कि आज हमारे 100 से अधिक मॉन्यूमेंट्स 300 मीटर तक की दूरी में, जिसमें हमें कुछ मदद प्रदेश सरकारों की भी लेनी पड़ रही है क्योंकि 100 मीटर तक का दायरा हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनके प्रोटेक्टेड जोन में आता है, प्रोहिबिटेड जोन में आता है, और बाकी 300 मीटर तक का प्रोटेक्टेड जोन में आता है, जिसमें कुछ प्रदेश सरकारों और नगर पालिकाओं से भी हमने पॉलीथीन फ्री करने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए विशेष आयोजन किए। यह भी सच है कि अपने पर्यटन स्थलों को स्वच्छ करने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी हमारे दोनों मंत्रालयों के पास है। 46 संस्थान संस्कृति मंत्रालय के अंडर में है, जिसमें नेहरू मेमोरियल, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट से लेकर 200 वर्ष पुरानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में और देश के कोने कोने के अंदर हमारे संस्थान हैं, 46 हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों ने स्वच्छता विषय को एक आंदोलन बनाकर, क्योंकि इनकी उपस्थिति पूरे देश के कोने कोने में थी तो ऐसा करने में हमें आसानी हुई। इसके साथ साथ हमारे 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं जो पूरे देश को बांटे हुए हैं, उनके माध्यम से जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कहीं सेमिनार्स के माध्यम से, कहीं सीधे पखवाड़े के नाम से स्वच्छता सफाई करने के माध्यम से हम लोगों ने अपने सभी इन पर्यटक स्थलों और मॉन्यूमेंट्स की स्वच्छता का खास तौर पर जिम्मा लिया और उसके अच्छे परिणाम भी आए। हम लोगों ने सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई थी इस 2 अक्टूबर को कि सभी अधिकारी हमारे देश के कोने कोने में रहेंगे और वो हमारे संस्कृति सचिव और पर्यटन सचिव को अपनी रिपोर्ट उस दिन की देंगे, जिसकी एक कॉपी हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेज दी है कि किस तरह से उन्होंने अपने क्या क्या अपने अधिकारियों में क्या क्या अपने ऑफिसरों के अधिकारियों ने अपने ऑफिसरों के साथ मिलकर अपने कार्यालयों में और उनके आसपास के पर्यटक स्थलों पर क्या क्या कार्य किए, जिसकी एक ग्लिम्स आपको छोटी सी फिल्म में अभी दिखाएंगे भी। हमने अपने सभी मॉन्यूमेंट्स को जो अभी तक बाउंड्री जिनकी नहीं थी, टूटी फूटी बाउंड्री थी, या जिन पर टॉयलेट्स नहीं थे, या जिन पर दिव्यांगों के जाने की सुविधा नहीं थी, इन तीनों विषयों को हमने खासतौर पर लिया। पॉलीथीन फ्री करना, बाउंड्री बनाना, टॉयलेट्स बनाना, दिव्यांगों के लिए मतलब उपयोगिता हो सके इस तरह से रैंप्स की और व्हीलचेयर्स की सुविधा उपलब्ध कराना, इन सभी के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना 350 करोड़ रुपए की जारी कर दी है। इस पर काम शुरू हो गया। इनका काम भी भारत की जो अपनी सरकारी पीएसयूज हैं एनबीसीसी, वापकॉस और टीसीआईएल संस्थाओं को दे दिया गया है, जो बहुत जल्द ही काम सभी हमारे मॉन्यूमेंट सब बाउंड्री में होंगे, उन पर टॉयलेट्स की व्यवस्था होगी। 100 के 100 हमारे जो मॉन्यूमेंट जिनको हमने आदर्श मॉन्यूमेंट जो मोस्ट विजिटेड हैं, सभी 3686 को नहीं लेकर प्रथम चरण में इन 100 आदर्श मॉन्यूमेंटों को लिया गया है। इन पर हम किस तरह से सफाई रखें, स्वच्छता रखें, टूरिस्ट फ्रेंडली गाइड्स हमने वहां पर रखे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों को मैं फिर दोबारा बता दूं, हालांकि आज का विषय नहीं है, पहली बार भारत ने एक प्रयास किया है जो सिर्फ विश्व में पहली बार किया है कि 1363 एक हेल्पलाइन हमने शुरू की है जो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपका पर्यटक जर्मन में है, स्पेनिश है, पुर्तगीज है, तो उसे दिक्कत आती थी कि अगर उसकी कोई दिक्कत आए तो वह भाषा की दिक्कत के कारण अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पाता था। अब अगर कोई रशियन टूरिस्ट या कोई जर्मन टूरिस्ट या जर्मन भाषा में अगर कम्युनिकेट करता है तो 1363 डायल करता है या वहां की मोबाइल ऐप के माध्यम से गंदगी की सूचना भी किसी तरह से देता है तो उसे तुरंत प्रभाव से उसे ठीक किया जाएगा। अपने सभी अधिकारियों का हमारे डीजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे खड़े हो जाए आप भी और एडीजी मिस्टर शरद भी, दोनों यहां पर हैं। सभी मॉन्यूमेंट्स का जिम्मा देखने का इनके जिम्मे है और ये बाकायदा उस मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़े रहते हैं कि अगर कहीं से भी कोई सूचना किसी भी विदेशी विदेशी पर्यटक से आती है तो ये उसको तुरंत प्रभाव से ठीक भी करते हैं। सभी 46 संस्थाओं और एनजीआरसीसी के माध्यम से इस आंदोलन को हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को हम पूरे देश में ले जा सके। पर्यटन मंत्रालय ने भी अपने IITTM और हमारे जो होटल मैनेजमेंट के जो छात्र हैं उनके माध्यम से एक दौड़ यहां से करी हमारे मंत्रालय से लेकर इंडिया गेट तक और अपने जितने पर्यटक स्थल हैं हमारे देश के अंदर उन सभी पर्यटक स्थलों पर सफाई को विषय को लेकर खास तौर पर आयोजन किए। मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से देश के पर्यटन को बढ़ेगा और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी प्रवासी दिवस पर कहा कि पर्यटन अकेला ही जो देश के
6.8% जीडीपी का हिस्सा बनता है, 1,35,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम इस पर्यटन के माध्यम से कमाते हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10% अधिक है, वह भी विश्व की 4.5% अधिकता से ज्यादा है। मैं समझता हूं कि इस स्वच्छता को हम एक आंदोलन के रूप में आप सबके प्रयास से, स्वच्छता किसी एक व्यक्ति या संस्था या मंत्रालय का सपना नहीं हो सकता जब तक इसमें सभी लोगों की और खास तौर पर मीडिया के लोगों की भी सहभागिता ना हो। आप समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, कुछ कमियों के बारे में हमें हमारी नजर उस पर डालते रहते हैं, मैं उसके लिए आपका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ आपसे ये भी अपेक्षा करता हूं कि हम उन कमियों को उजागर तो करें, उन कमियों को हम मंत्रालयों की सरकार की नजरों में तो लाएं, लेकिन आपका एक सार्थक सहयोग की अपेक्षा भी मैं करता हूं कि भारत की झांकी अब विश्व की नजरों में बदल रही है, बदल चुकी है और बदलेगी। पूरा विश्व भारत को स्वीकार कर चुका है एक पर्यटन की दृष्टि से, एक देश जिसके पास सब कुछ है, जो कुछ कमियां थी उन कमियों को पूरा करने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं और इस तरह से स्वच्छता को हम एक आंदोलन के रूप में बना पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद। देखिए 100 मीटर तक हमारे किसी भी पर्यटक स्थल जो एएसआई के अंडर में है उसका हमारा प्रोहिबिटेड जोन होता है, जिसके अंदर पूरी गतिविधियां हमारे कंट्रोल में होती है। उसके बाद 200 मीटर तक का प्रोटेक्टेड जोन होता है, वह रेगुलेटेड जोन जिसे हम कहते हैं। रेगुलेटेड जोन के कुछ हिस्सा नगर पालिकाओं और प्रदेश सरकारों के पास होता है, जिसमें हमने सभी हमारे सचिव महोदयों ने, दोनों सचिवों ने पूरी सभी प्रदेश सरकारों को एक एडवाइजरी जारी करी है कि आप इसमें सहयोग करें। और प्रथम चरण में हमने इसको नागरिक सहभागिता के चेतना के माध्यम से शुरू किया है, जिसमें कुछ कानूनी पावर्स हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी हैं, जिनका हम उपयोग करेंगे 100 मीटर में। 300 मीटर के अंदर कुछ पावर्स हमें प्रदेश सरकारों और नगर पालिकाओं के का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रथम चरण में हम इसको चेतना के रूप में कर रहे हैं, लेकिन आगे के चरण में हमारी योजना है कि हम इसको एक कानूनी जामा पहनाकर भी 300 मीटर तक पॉलीथीन का उपयोग, वहां डस्टबिनों की उपलब्धता की जाए और कूड़ा कलेक्शन प्लास्टिक और पॉलीथीन इसका बिल्कुल टोटली बैन किया जाए, जिसके तहत हमने